हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 6 फिनेंस स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी का पार्ट 3 देखने वाले हैं और इस वीडियो में मैंने इन सभी टर्म्स को इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव्स आखिर क्या होते हैं। अगर हम सिंपल डेफिनेशन समझें तो डेरिवेटिव हम उन चीजों को बोलते हैं जिनकी वैल्यू या प्राइस किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोग जानते हैं कि शुगर हमें मिलती है शुगर केन से। तो जब जब मार्केट में शुगर केन के प्राइसेस राइज होते हैं, तब शुगर के प्राइसेस भी राइज होते हैं, और अगर मार्केट में शुगर केन के प्राइसेस नीचे जाते हैं, तब शुगर के प्राइसेस भी नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि शुगर की जो वैल्यू या फिर प्राइस है वो डिपेंड करती है शुगर केन के प्राइस के ऊपर। तो इस सिचुएशन में शुगर हमारे लिए हो गई डेरिवेटिव, और जिस चीज के ऊपर शुगर की वैल्यू डिपेंडेंट है यानी कि शुगर केन, वो हो गई हमारे लिए अंडरलाइंग एसेट। अब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट। यानी डेरिवेटिव हम उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर सिक्योरिटी को कहते हैं जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट में जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, उनमें रिटर्न अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ज्यादातर फाइनेंशियल मार्केट में जो अंडरलाइंग एसेट यूज होते हैं वो होते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक्स या फिर शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज और जो मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं वो, करेंसीज, जो अलग अलग नेशंस की करेंसी होती है उसे भी आप अंडरलाइंग एसेट की तरह यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट और मार्केट इंडेक्सेस, जैसे कि आपका BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50। तो जब भी इन अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू चेंज होती है तो उन पर बेस्ड डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज होती है। अभी ये चीजें आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, पर जैसे जैसे मैं आपको इन्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। फाइनेंशियल मार्केट में जो डेरिवेटिव्स यूज होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो तो ऑप्शंस के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि वही आपके सिलेबस में कवर्ड है। समझ लेते हैं कि आखिर ऑप्शंस होते क्या हैं। तो देखिए, ऑप्शंस बेसिकली हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें दो पार्टीज होती हैं। इनमें से एक पार्टी को हम कहते हैं ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन होल्डर, और दूसरी पार्टी को हम कहते हैं ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन राइटर। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो ऑप्शन बायर होता है उसे एक राइट मिलता है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन अंडरलाइंग एसेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, एक स्पेसिफाइड डेट पर या उससे पहले बाय या सेल कर सके। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑप्शन बायर को राइट टू बाय अंडरलाइंग एसेट मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे कॉल ऑप्शन, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑप्शन बायर को राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे पुट ऑप्शन। अब एक बात हमें समझनी है कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बायर को राइट मिलता है, राइट माने अधिकार। अब इस अधिकार का इस्तेमाल ऑप्शन बायर करना चाहे तो करेंगे, अब इनके ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, वो करना चाहे तो इस राइट का इस्तेमाल करेंगे वरना ना भी करें। अब सीधी सीधी बात है, अगर आपको कोई अधिकार मिलता है तो आप इसका इस्तेमाल कब करते हो? जब आपको लगे कि इस अधिकार का इस्तेमाल करके आपको फायदा होगा। उसी तरह ऑप्शन बायर भी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिले गए राइट का इस्तेमाल तभी ही करता है जब उसे लगता है कि उसके लिए ये फायदेमंद होगा, वरना इस ऑप्शन को वो जाने देता है। ठीक है, ही डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। तो इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, पर सामने वाली जो पार्टी है यानी कि ऑप्शन सेलर, उन्हें ऐसा कोई राइट नहीं मिला है, उनके ऊपर तो ऑब्लिगेशन ही है। ठीक है, उनकी तो ड्यूटी है कि अगर ऑप्शन बायर अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं तो सामने जो भी ऑप्शन सेलर की ड्यूटी बनती है उन्हें निभानी ही पड़ेगी, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। अब क्योंकि ऑप्शन सेलर अपने सर पर ये ऑब्लिगेशन लेते हैं तो इसके बदले ऑप्शन बायर से वो कुछ ना कुछ कॉस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि ऑप्शन जो ऑप्शन बायर को मिला है कोई मुफ्त में नहीं मिला, उन्हें ऑप्शन सेलर को कुछ ना कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी इसके बदले, और इस पेमेंट को हम कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। समझ लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो है 950 रुपीज पर शेयर। यानी मार्केट में अगर अभी हम रिलायंस के शेयर्स परचेज करने जाते हैं तो वो 950 रुपीज में हमें मिल जाएंगे, और ये है मिस्टर राम, और ये एक बुलिश इन्वेस्टर है। यानी कि ये ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में
रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स हैं उनके प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, ठीक है, इट विल राइज अबाउट 950, ऐसा मानते हैं। लेकिन अभी इन्हें क्या है कि डर भी है, ये ऐसा भी सोचते हैं कि अगर इनका प्रेडिक्शन गलत गया तो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके प्रेडिक्शन रॉन्ग चले जाते हैं। हम ये सोच रहे थे कि प्राइसेस राइज होंगे और प्राइसेस डिक्रीज हो गए, तब क्योंकि रिस्क है ना, तो वो डायरेक्टली रिलायंस के शेयर्स नहीं परचेस करेंगे, अपने रिस्क को कम करने के लिए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव को परचेस करेंगे। एक बात याद रखेंगे, डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क को कम करने का एक जरिया है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव मिस्टर राम परचेस कर रहे हैं उसे हम कहेंगे कॉल ऑप्शन। अब क्योंकि उन्हें ये कॉल ऑप्शन परचेस करना है तो सामने कोई ऑप्शन सेलर भी होना चाहिए। इस केस में हम कहते हैं ये है मिस्टर राजीव, ये है मिस्टर राजीव जो कि ऑप्शन सेलर बनने को तैयार है। अब दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिस्टर राम को ये राइट मिलेगा कि अगर वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 महीने के अंदर अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 600 शेयर्स को मिस्टर राजीव से 960 रुपीज के प्राइस से परचेस कर सकते हैं, चाहे मार्केट में उस समय कोई भी प्राइस चल रही हो। मिस्टर राम मिस्टर राजीव से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 960 रुपीज के प्राइस में रिलायंस के शेयर्स परचेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और टर्म्स के बारे में बता दूं। अब ये जो ऑप्शन है वो किसके लिए लिया गया है, रिलायंस के शेयर्स के लिए, यानी कि ऑप्शन इज बेस्ड अपॉन रिलायंस इंडस्ट्रीज 600 शेयर्स। तो इन शेयर्स को हम बोलेंगे यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट। अब जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, जिस प्राइस पे मिस्टर राम मिस्टर राजीव से शेयर्स परचेस कर सकते हैं, उस प्राइस को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज स्ट्राइक प्राइस। अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो ऑप्शन मिस्टर राम को मिला है ऑप्शन टू बाय, ये मुफ्त का नहीं है, सामने उन्हें मिस्टर राजीव को कोई तो पेमेंट करनी पड़ेगी और उस पेमेंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो यहाँ पे मिस्टर राम ने मिस्टर राजीव को 10 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि 6,000 रुपीज। अब हमें ये देखना है कि मिस्टर राम इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कब करेंगे, यानी कि कॉल ऑप्शन इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद कब होता है। इसके लिए हम लोग 3 डिफरेंट मार्केट सिनेरियोस को इमेजिन कर लेते हैं। हम फिर से अगर डेटा को रिवाइज करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मिस्टर राम के पास ये राइट है कि अगर वो चाहें तो आने वाले 3 महीने के अंदर मिस्टर राजीव से रिलायंस इंडस्ट्रीज के 600 शेयर्स 960 रुपीज के प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। 960 रुपीज हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस है और इस राइट के लिए वो ऑलरेडी 10 रुपीज का प्रीमियम पे कर चुके हैं। अब हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए कि आने वाले 3 महीनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स अपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चले गए, यानी कि पहले सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन अवर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये वही सिनेरियो है जो मिस्टर राम इमेजिन कर रहे थे। मिस्टर राम को यही चाहिए था ना कि प्राइस जो है वो बुलिश हो जाए, ठीक है। तो आप देखो कि अगर प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चले जाते हैं तो क्या मिस्टर राम कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्या उनके लिए कॉल ऑप्शन के अंदर जो उन्हें राइट मिला है उसका यूज करना फायदेमंद होगा। तो आंसर है हाँ, बिल्कुल फायदेमंद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई चीज जिसका मार्केट प्राइस 1000 है, वही चीज अगर आपको कोई 960 रुपीज में सेल करेगा तो आप क्यों नहीं खरीदोगे। मिस्टर राम अगर अपने राइट का इस्तेमाल करते हैं तो मिस्टर राजीव को ये शेयर्स मिस्टर राम को 960 रुपीज के प्राइस पे देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर राम का फायदा हो जाएगा, मार्केट से ना परचेस करके वो कॉल ऑप्शन के तहत इसे परचेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, 960 रुपीज के प्राइस में वो मिस्टर राजीव से परचेस करेंगे, फिर मार्केट में 1000 रुपीज में उसे सेल कर देंगे और यहाँ पे उन्हें हो जाएगा 40 रुपीज का प्रॉफिट। लेकिन अगर हम इसमें से 10 रुपीज ऑप्शन प्रीमियम जो ऑलरेडी वो पे कर चुके हैं उसे भी अगर माइनस कर दें कॉस्ट मान के, तो 30 रुपीज का उन्हें फाइनल जो है वो प्रॉफिट होता है अपने कॉल ऑप्शन का यूज करने पर। तो डेफिनेटली जहाँ पे प्रॉफिट है वो चीज तो हम करेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखो, कॉल ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद कब होता है, जब मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। अब सेकेंड सिनेरियो अज्यूम करते हैं जहाँ पे आपका मार्केट प्राइस जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर आपके स्ट्राइक प्राइस के बराबर ही हो गया, तो क्या ऐसे सिचुएशन में आपको कॉल ऑप्शन का राइट इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है देखो कि करना करेंगे तो भी कोई ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसे परचेस करते हो, यानी कि मिस्टर राम अपने कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज करें और मिस्टर राजीव से परचेस करें, तब भी जो पेमेंट है 960 होगी और मार्केट में पे करो तब भी 960, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, यानी कि टाई की सिचुएशन है, ठीक है।
अब हम तीसरा सिनारियो इमेजिन कर लें। अगर हम ऐसा देखें, तीसरे सिनारियो में मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो है वो अपने स्ट्राइक प्राइस के नीचे चली गई है ना। मार्केट प्राइस 950 है जबकि स्ट्राइक प्राइस क्या है 960। तो क्या ऐसी सिचुएशन में मिस्टर राम को कॉन्ट्रैक्ट का यूज करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उन्हें राइट मिला है उसका यूज करना चाहिए? मिस्टर राजीव से परचेज करना चाहिए? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जो चीज आपको सस्ते भाव पे मार्केट में मिल रही है उसे आप कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके महंगे प्राइस में क्यों खरीदेंगे? कोई बेवकूफ ही होगा ना जो अपना ही लॉस करेगा, ठीक है? तो आपके लिए कॉल ऑप्शन इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं होगा जब मार्केट प्राइस इज लेस देन योर स्ट्राइक प्राइस। एक बात, एक टर्म है जो मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ और आगे जाके तो मैं आपको डिटेल में उसे पढ़ाऊंगी। जब भी आपके लिए कॉल ऑप्शन फायदेमंद होता है यूज करना, आप इसे इन द मनी भी कह सकते हो, इन द मनी, ठीक है? इन द मनी कब होता है कॉल ऑप्शन? जब आपका मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन योर स्ट्राइक प्राइस, और जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल बराबर हो जाए तो आप इसे एट द मनी कह सकते हो। तो ये एट द मनी वाली पोजीशन होती है जब मार्केट प्राइस इज इक्वल टू योर स्ट्राइक प्राइस। और जब आपके लिए कॉल ऑप्शन इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं होता तो उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी कब होता है कॉल ऑप्शन? जब मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं जो आपको बुक में दी हुई है। एन ऑप्शन दैट गिव्स द इन्वेस्टर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द पर्टिकुलर स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो अभी डेफिनेशन आपको काफी आसान लगेगी क्योंकि आप ऑलरेडी इसे एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन एक ऐसी डेरिवेटिव है जो इन्वेस्टर यानी कि हमारे ऑप्शन बायर को क्या देती है? एक राइट देती है, अधिकार है, कोई ऑब्लिगेशन या कोई जबरदस्ती नहीं है। तो एक राइट मिलता है एक ऑप्शन बायर को कि वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं एक स्टॉक को जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, ठीक है? जिसके लिए ये ऑप्शन लिया गया है उसे आप अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। अगर बाय करना चाहते हैं तो एक स्पेसिफाइड प्राइस पे बाय कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जिसे आप स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, और स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, जैसे हमारे केस में भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 3 महीने। तो याद रखेंगे कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना वो हमेशा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आपको मिलते हैं। ये परमानेंट नहीं होते कि एक बार 6,000 रुपए दे दिए और पूरी जिंदगी का ऑप्शन आपने रिजर्व कर लिया, ऐसा नहीं होता। इसका कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है। अगर आपको ऑप्शन का इस्तेमाल करना है तो इसी टाइम पीरियड के अंदर कर लो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 3 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है? फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है? कॉल ऑप्शन कौन परचेज करते हैं? ये वो लोग परचेज करते हैं जैसे हमारे मिस्टर राम। मिस्टर राम कैसे इन्वेस्टर थे आपको पता होगा ना, बुलिश इन्वेस्टर। तो कॉल ऑप्शन वही लोग परचेज करते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, स्ट्राइक प्राइस के तो ऊपर ही जाएंगे। अब हम समझते हैं पुट ऑप्शन को। तो पुट ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन टू सेल। इसके लिए हम एक सिचुएशन ऐसी मानते हैं कि मान लीजिए इंफोसिस के जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 950 रुपीज पर शेयर के भाव से अभी बिक रहा है, और ये मिस्टर देव हैं और ये एक बेरिश इन्वेस्टर है, यानी कि ये ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में इंफोसिस के जो प्राइसेस है ना शेयर्स के वो नीचे जाएंगे। अब सीधी सी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कंपनी के फ्यूचर मार्केट प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं यानी कि खराब परफॉर्मेंस करने वाले हैं वो शेयर्स, तो आप उनके शेयर्स तो नहीं परचेस करोगे ना। तो यहाँ पे मिस्टर देव भी शेयर्स तो नहीं परचेस करना चाहते, पर ये ऐसा सोच रहे हैं कि इस जो इनका ये प्रेडिक्शन है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे, इस प्रेडिक्शन का वो फायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि ये जो इनकी सोच है ना इसका ये फायदा उठाना चाहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं और आप अगर इस पोजीशन का फायदा उठाना चाहते हो तो आपको परचेस करना चाहिए पुट ऑप्शन। तो अगर मिस्टर देव को पुट ऑप्शन परचेस करना है तो उनके पास कोई पुट सेलर भी होना चाहिए, ऑप्शन सेलर, और यहाँ पे पिक्चर में आते हैं मिस्टर आनंद, ठीक है? मिस्टर आनंद और मिस्टर देव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिस्टर देव को अब ये राइट मिलेगा कि अगर वो चाहें तो आने वाले 3 महीने के अंदर इंफोसिस के 600 शेयर्स 940 रुपीज के प्राइस पे मिस्टर आनंद को सेल कर सकते हैं। पुट ऑप्शन क्या है? आपको राइट टू सेल देता है, ठीक है? ये राइट परचेस करने के बदले मिस्टर देव मिस्टर आनंद को प्रीमियम पे करेंगे जो कि है इस केस में
₹10 पर शेयर यानी कि ₹6,000 का प्रीमियम वो पे करके अपने पास ये राइट रिजर्व कर देंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि पुट ऑप्शन इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद कब होता है, तो इसके लिए भी हम लोग 3 डिफरेंट मार्केट सिनेरियोस को अज्यूम कर रहे हैं। वो क्या है, पहले आप डेटा एक बार फिर से देख लें। स्ट्राइक प्राइस हमारे केस में यहाँ पे है 940, हमारा अंडरलाइंग एसेट है यहाँ पे इंफोसिस के शेयर्स, और ऑप्शन प्रीमियम पे किया हुआ है ₹10 का। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर देव एंड मिस्टर आनंद के बीच में। अब हम पहली सिचुएशन ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो हमारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चला गया, तो क्या हमें पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या मिस्टर देव को पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करके ये शेयर्स मिस्टर आनंद को ₹940 के प्राइस पे बेचने चाहिए? तो आंसर है नहीं, नेवर। क्यों ऐसा? क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जिस चीज को आप मार्केट में ₹1,000 में सेल कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट के अपने राइट को इस्तेमाल करके मिस्टर देव मिस्टर आनंद को ₹940 में क्यों सेल करेंगे? क्यों वो उन्हें सस्ते में सेल करके अपना लॉस करेंगे ₹60 का? ठीक है, तो पुट ऑप्शन आपको कभी भी फायदा नहीं देता अगर जो मार्केट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चली गई। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग देखेंगे जहां पे आपका जो मार्केट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल बराबर है। तो ये आप समझ गए होंगे, अभी आपने कॉल ऑप्शन में भी ये सिचुएशन देखी, इसे हम कहते हैं हमारी टाई सिचुएशन। यानी कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, कि अगर मिस्टर देव मिस्टर आनंद को पुट ऑप्शन के तहत ये शेयर सेल करते हैं तो उन्हें ₹940 मिलेगा, और अगर मार्केट में किसी और इन्वेस्टर को सेल करते हैं तो भी उन्हें 940 ही मिलेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरी सिचुएशन ऐसी ले लेते हैं जहाँ पे जो मार्केट प्राइस है इट इज लेस देन योर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आपको इस सिचुएशन में पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, यस। ऐसा क्यों? अब आपको रीजन समझ में आते होंगे ऐसा क्यों। अब खुद ही सोचो, जो चीज मार्केट में ₹900 के भाव पे बिक रही है, अगर वही चीज आप किसी को 940 में सेल कर पाओगे तो आप क्यों नहीं सेल करोगे? यहाँ पे मिस्टर देव अपने राइट का बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे और ये शेयर्स इंफोसिस के ₹940 के प्राइस पे मिस्टर देव आनंद को बेचेंगे। इससे क्या होगा, पहले तो क्या करेंगे मिस्टर देव, मार्केट से ये शेयर्स ₹900 में परचेस कर लेंगे, फिर यही शेयर्स मिस्टर आनंद को ₹940 में बेच के ₹40 का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन इसमें से अगेन अगर हम ₹10 ऑप्शन प्रीमियम के माइनस कर दें तो उन्हें ₹30 पर शेयर का प्रॉफिट होता है। तो ऐसा तो आप डेफिनेटली करोगे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके लिए पुट ऑप्शन फायदेमंद कब होते हैं, जब मार्केट प्राइस इज लेस देन योर स्ट्राइक प्राइस। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इन द मनी। फायदेमंद है तो आप उसे क्या कहते हो, इन द मनी। जब दोनों इक्वल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिचुएशन हो जाती है एट द मनी की। और ये सिचुएशन जहां पे आपके लिए पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना फायदेमंद नहीं है, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे आपका आउट ऑफ द मनी। बात आई समझ में? ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू डिपेंड होती है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। तो अभी एग्जांपल देखने के बाद आप समझ गए होगी कि कैसे कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना इस केस में मिस्टर देव और मिस्टर आनंद के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अब मिस्टर देव के लिए कॉन्ट्रैक्ट फायदेमंद होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्फोसिस के शेयर प्राइसेस के ऊपर। इन्फोसिस हमारे लिए क्या है यहाँ पे, अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस डिसाइड करते हैं या अंडरलाइनिंग एसेट की जो वैल्यू है उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपके इस ऑप्शन की वैल्यू। ठीक है, अगर अंडरलाइंग एसेट के जो प्राइसेस हैं मार्केट प्राइस के ऊपर चले गए तो आपके ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है, आप इस ऑप्शन का एक्सरसाइज नहीं करोगे। ठीक है, और इसी सिचुएशन में अगर आपके मार्केट प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस के नीचे आ गए तो आपके लिए ऑप्शन क्या हो गया, वैल्यूएबल। तो ऑप्शन वैल्यूएबल है या नहीं, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, प्राइस ऑफ योर अंडरलाइंग एसेट। तो अभी आप समझे इसे हम डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा सारा कॉन्सेप्ट। अब हम पुट ऑप्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। एन ऑप्शन दैट गिव्स एन इन्वेस्टर द राइट टू सेल। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, पुट ऑप्शन में राइट टू सेल होता है अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ स्टेटेड प्राइस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड।
तो जो पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ये ऑप्शन लिया गया है वही आपका अंडरलाइन एसेट होता है। स्टेटेड प्राइस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आप स्ट्राइक प्राइस कहते हो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और हमेशा ऑप्शंस आपको एक सीमित समय के लिए मिलते हैं। पुट ऑप्शन कौन परचेज करते हैं? मिस्टर देव कैसे इन्वेस्टर थे, आपको याद होगा, बेरिश इन्वेस्टर। तो पुट ऑप्शन वही लोग परचेज करते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं। स्ट्राइक प्राइस की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, अब आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ द ऑप्शन कैन बाय और सेल द सिक्योरिटीज दे होल्ड व्हेन द ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो जब आप अपने ऑप्शन का यूज कर लेते हो तो जिस प्राइस पे आप बाय कर सकोगे इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन और आप सेल कर सकोगे इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, आपका स्ट्राइक प्राइस। लास्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका मनीनेस। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। इन द मनी क्या होती है, प्रॉफिटेबल सिचुएशन को आप इन द मनी कहते हो। एट द मनी आप किसको कहते हो, जो टाई वाली सिचुएशन होती है। आउट ऑफ द मनी कौन सी सिचुएशन होती है, लॉस वाली सिचुएशन। प्रॉफिट वाली सिचुएशन यानी इस सिचुएशन में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। लॉस वाली सिचुएशन यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और टाई वाली सिचुएशन यानी कि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी है ना, फाइनेंस में इस इन तीनों का जो ग्रुप होता है इसे अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस। और मनीनेस का जो मनीनेस जो होता है वो बेसिकली क्या बताता है, रिलेशन बताता है स्ट्राइक प्राइस के बीच में और आपके मार्केट प्राइस के बीच में। तो स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस को कंपेयर जब हम करते हैं उसी से ही हमें पता चलता है कि क्या आपके लिए ये ऑप्शन फायदेमंद है भी या नहीं, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मनीनेस। सो आपने ऑलरेडी कर लिया है पर मैं रेंडमली आपको इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। अब आपके लिए कॉल ऑप्शन इन द मनी कब होता है, मान लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस 100 चल रही है और आपका मार्केट प्राइस 140 हो गया, तो क्या आपके लिए ये ऑप्शन इन द मनी है? डेफिनेटली है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मार्केट में कोई चीज 140 में बिक रही है और आपको ऑप्शन टू बाय है कि आप उसे 100 रुपीज में बाय कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली करेंगे। तो अगर करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन योर स्ट्राइक प्राइस, आपके लिए इन द मनी होता है। पुट ऑप्शन इन द मनी कब होता है, जब मार्केट प्राइस इज लेस देन अवर स्ट्राइक प्राइस। एग्जाम्पल ले लेती हूँ फिर से, स्ट्राइक प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस मान लो 80 हो गई, मार्केट प्राइस 80 है, तो आप डेफिनेटली ऑप्शन का यूज करोगे क्योंकि जो चीज मार्केट में 80 में बिक रही है वही चीज ऑप्शन के अंदर आपको किसी को 100 रुपीस में बेचने का मौका मिल रहा है, तो आप बेचोगे ही ना, तो फायदा होगा, ठीक है। उसी तरीके से एट द मनी में तो आपको पता है दोनों पोजीशंस इक्वल हो जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। तो अगर इन द मनी में मार्केट प्राइस ग्रेटर होगा स्ट्राइक प्राइस से, तो आउट ऑफ द मनी में क्या होगा, मार्केट प्राइस शुड बी लेस देन अवर स्ट्राइक प्राइस। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपके लिए कॉल ऑप्शन फायदेमंद कब नहीं होता, स्ट्राइक प्राइस अगर 100 है और अगर मार्केट प्राइस 80 हो गई, तो डेफिनेटली आप कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, क्योंकि जो चीज आपको मार्केट में 80 में मिल रही है वो आप ऑप्शन के अंदर 100 में क्यों परचेस करोगे, तो आप ऑप्शन को जाने दोगे, वेस्ट। पुट ऑप्शन कब होते हैं हमारे लिए आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी लॉस वाली सिचुएशन कब होती है, जब मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन अवर स्ट्राइक प्राइस। मार्केट में अगर जो चीज 140 में आप बेच सकते हो उसे आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 100 रुपए में क्यों बेचोगे, क्यों राइट का इस्तेमाल करके खुद का लॉस करवाओगे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही क्या होता है ना कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और मेहनत करूं और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच।